Snow noise of the SMEA Bob, as medemic in the made red ZDMT, we stood clock at our teeth course about any batayan, and I'll joke at the make the beating kissing in a batayan. गाइज जो अपनी गेम में अपना फर्स्ट अपडेट है वो ये है कि यहाँ पर अपने घर के बाहर तुम देखोगी तो एक डिफेंडर खड़ी हुई तुम्हें नजर आएगी। बेसिकली यहाँ से फॉर्च्यूनर को हटाकर डिफेंडर को लगा दिया है। इसमें गाइज मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि डिफेंडर को ना गेम डेवलपर्स ने बिल्कुल सही से खड़ा किया है, वरना वो जो फॉर्च्यूनर थी ना उसमें बैठने के लिए फुल टर्न करके स्विमिंग पूल वाली तरफ से हमें बैठना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर डिफेंडर में ये अच्छी बात है कि बस घर से भाई बाहर निकलो और डिफेंडर में हम बैठ सकते हैं। गाइस हमें फर्स्ट अपडेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ये वाली इमोजी ड्रॉप कर देना। बाकी भी जो गेम का दूसरा अपडेट है ना वो ये है कि अगर तुम अपने फोन में 9991 डायल करोगी तो तुम्हारे सामने भाई सब यहाँ पर रेड कलर में थार रॉक्स स्पॉन हो जाएगी। इसका इंटीरियर भी यार बहुत ही क्यूट है। इसके अलावा यहाँ पर अपनी थार के ऊपर देखोगे तो एक शीशा लगा दिया गया है। लेकिन यार यहाँ पर दिक्कत ये है कि इस सनरूफ से हम बाहर नहीं निकल सकते। ये चीज़ यार मुझे बहुत बुरी लगी। अभी मैं तुम्हें गेम का तीसरा अपडेट बताता हूँ। अगर तुम फोन में 99 डायल करके इंटर करोगे तो तुम्हारी भाई सब वेदर चेंज हो जाएगी। फुल जो भाई गेम का वेदर है फोगी वेदर में चेंज हो जाएगा। अगर फिर से तुम 99 डायल करोगी तो इस फोगी वेदर के दौरान बरसात बरसना शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं गाइस, अगर फिर से तीसरी बार 99 डायल करोगे तो यहाँ पर नाइट मोड ऑन हो जाएगा। अगर चौथी बार ना 99 डायल करके जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पर भी बारिश बरसेगी। एंड ये जो नाइट मोड में बारिश है ना कसम से यार बहुत मजा देती है। गाइस हमें ये चीज नोटिस करी, ये जो एनपीसी नीचे मरा हुआ नजर आ रहा है तुम्हें, ये वहाँ से आ रहा था, जैसे ही अपनी थार में इसने टक्कर मारी तो यार ये नीचे गिर कर मर गया। गाइस जो अपनी गेम का लास्ट अपडेट है वो ये है कि हमारी गेम में ना और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स को ऐड कर दिया गया है तुम, जिनको तुम ना आरजीएस टूल की हेल्प से स्पॉन कर सकते हो। गाइस सबसे पहले ना मैं तुम्हें कार्स के चीट कोड्स बताता हूँ। अगर तुम फोन में 9090 डायल करोगी तो तुम्हारे सामने में ये मॉडिफाइड थार आ जाएगी। अगर 700 डायल करते हो तो ये लेम्बोर्गिनी V2 आ जाएगी। 3333 चार टाइम्स लेकर डायल करोगे तो लेम्बोर्गिनी फिर से एक और आ जाएगी। अगर तुम 500 डायल करते हो तो ये तुम्हारे सामने ऑडी स्पॉन हो जाएगी। ऐसे ही गाइस अगर तुम 900 डायल करके कॉल करते हो तो तुम्हारे सामने ये कोइनिक्स एग स्पॉन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर तुम 800 डायल करते हो तो ये बुगाटी स्पॉन हो जाएगी। एंड इसके बाद 2000 डायल करोगी तो तुम्हारे सामने भाई ये रोल्स रॉयस स्पॉन हो जाएगी। ऐसे अगर हम 1000 डायल करते हैं तो ये फॉर्चूनर। एंड 444 3 टाइम्स लेकर डायल करेंगे तो ये स्कॉर्पियो S11 आ जाएगी। एंड 3 दफ़ा 333 डायल करने से स्कॉर्पियो क्लासिक आ जाएगी। अगर हम 4000 डायल करते हैं तो हमारे सामने ये पोर्शे स्पॉन हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम 300 डायल करेंगे तो ये टार्जन कार स्पॉन हो जाएगी। वेल दोस्तों इसके बाद 1001 डायल करोगे तो फॉर्चूनर लेजेंड स्पॉन हो जाएगी। एंड गाइस ऐसे ही 2020 डायल करोगे तो ये तुम्हारे सामने भाई एंडी वेयर स्पॉन हो जाएगी। इससे ही अगर हम 8811 डायल करते हैं तो ये फरारी हमारे सामने स्पॉन हो जाती है। 8123 से मस्टैंग GT स्पॉन हो जाती है, यार मेरी फेवरेट कार है। हमारी कौन सी कमेंट में बताना। बाकी 2244 डायल करोगे तो ये सुप्रा स्पॉन हो जाएगी, ये भी नेक्स्ट लेवल गाड़ी है। अगर हम 3100 डायल करेंगे तो ये बोलेरो स्पॉन हो जाएगी। अगर हम 8880 डायल करके कॉल करते हैं तो हमारे सामने ये बहुत ही पावरफुल हमर स्पॉन हो जाती है। अगर हम 9191 डायल करेंगे तो ये थार स्पॉन हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम 3005 डायल करेंगे तो निसान GTR। एंड इसके बाद 8370 डायल करेंगे तो ये रिक्शा स्पॉन हो जाएगा। गाइस अगर तुम्हें मर्सिडीज की जी वैगन चाहिए तो 4966 डायल करना होगा। अगर तुम 0002 डायल करते हो तो भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल की डिफेंडर स्पॉन हो जाएगी। गाइस यही है कार्स के चीट कोड्स। आगे मैं तुम्हें प्लग इन ऐप वाली जो कार्स है उनके भी चीट कोड्स बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी तुम्हें बाइक्स के चीट कोड्स बताता हूँ। गाइस मेरी फर्स्ट बाइक है वो है कि अगर तुम फोन में 400 डायल करते हो तो ये ZS10R स्पॉन हो जाएगी। अगर 1210 डायल करोगे तो KTM स्पॉन हो जाएगी। 1211 डायल करोगे तो ये पल्सर स्पॉन हो जाएगी। अगर 4215 डायल करोगे तो ये ड्यूक गाड़ी स्पॉन हो जाएगी। ये यार पता नहीं कौन सी बाइक है। अगर 1190 डायल करते हो तो फिर से एक KTM 1119 स्पॉन हो जाती है। अगर 2222 डायल करते हो तो हमारे सामने ATV 4 व्हीलर बाइक स्पॉन हो जाती है। अगर हम 4 टाइम्स 99 डायल करते हैं तो ये बुलेट आ जाएगी। इसी तरह अगर हम फोन में 9000 डायल करते हैं तो हमारे सामने ये स्प्लेंडर स्पॉन हो जाती है। वेल दोस्तों अगर तुम 7000 डायल करते हो तो ये हयाबुसा स्पॉन हो जाती है। अगर 5
1000 डायल करोगे तो हमारे सामने पल्स सर RS 200 स्पॉन हो जाती है। अगर हम 300 डायल करेंगे तो कावासाकी निंजा S2R एंड 0015 डायल करेंगे तो यामा R15। अगर हम 5555 डायल करेंगे तो हमारे सामने गोस्ट राइडर बाइक आ जाएगी। वेट भाई यार, इसने तो हमें ही गिरा दिया। गाइस इतना ही नहीं, इसकी साइड में जितनी भी गाड़ियां थी उनको भी यार इसने ब्लास्ट कर दिया। इसकी आग इतनी पावरफुल है भाई साहब। मैं तुम्हें दूसरा चीट कोड्स बताता हूँ। अगर तुम 7777 डायल करके स्पॉन करते हो तो ये ड्यूक 200 आ जाएगी भाई। ये भी जलकर राख हो चुकी है। अगर हम 4x8 स्पॉन करते हैं तो ये फिर से ड्यूक 1290 स्पॉन हो जाती है। अगर हम 4x11 डायल करेंगे तो ये साइकिल आ जाएगी। 400 से हमारे पास ये ZS10R स्पॉन हो जाती है। 6000 से यहाँ पर तुम देख सकते हो ड्रोन बाइक स्पॉन हो जाती है। एंड 777 डायल करते हो तो ये डुगाटी डायरल पता नहीं यार कौन सा नाम है ये स्पॉन हो जाती है। 8 को इन टाइम्स लिखोगे तो ये यामा स्पॉन हो जाएगी। 4050 से ये अपाची गाड़ी स्पॉन हो जाएगी। 6021 से हमारे सामने सुपर स्प्लेंडर स्पॉन हो जाएगी। यही थी बाइक्स के चीट कोड्स। यार देखो कितनी सारी अपनी गेम में बाइक्स हैं। गाइस अभी मैं तुम्हें ना मॉन्स्टर कार्स के चीट कोड्स बताता हूँ। अगर तुम 0100 डायल करके कॉल करते तो भाई साहब तुम्हारे सामने ये मॉन्स्टर पुलिस वाली गाड़ी आ जाएगी। अगर तुम ऐसे ही 0101 डायल करके कॉल करते हो तो ये फिर से पुलिस वाली मॉन्स्टर SUV स्पॉन हो जाती है। अगर तुम्हें मॉन्स्टर लैम्बोर्गिनी चाहिए तो सिंपली 0700 डायल करोगे तो ये मॉन्स्टर लैम्बोर्गिनी स्पॉन हो जाएगी। भाई साहब ये देखो कितनी डेंजरस लग रही है। ऐसे ही अगर हम फोन में 0300 डायल करते हैं तो हमारे सामने ये मॉन्स्टर टार्जन स्पॉन हो जाती है। इसने तो भैया NPC को ही उड़ा दिया है। चलो खैर दूसरी कार से स्पॉन करते हैं। अगर हम 0900 डायल करके कॉल मिलाएंगे तो भाई सर यहाँ पर मॉन्स्टर थार स्पॉन हो जाती है। अगर हम 0333 डायल करते हैं तो फिर से एक ये मॉन्स्टर लैम्बोर्गिनी स्पॉन हो जाती है। एंड अगर हम 01000 डायल करेंगे तो ये मॉन्स्टर फॉर्चूनर स्पॉन हो जाएगी। भाई साहब अगर हम 09090 डायल करते थे ये मॉन्स्टर मॉडिफाइड थार स्पॉन हो जाती है। भाई साहब ये थी 7 मॉन्स्टर व्हीकल्स। गाइस में तुम्हें जायंट व्हीकल्स यानी गेम की जो बिग व्हीकल्स है ना उनको स्पॉन करना सिखाता हूँ। अगर तुम 5643 डायल करोगे तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली स्पॉन हो जाएगी तुम्हारे सामने। ऐसे ही अगर तुम 6677 डायल करोगे तो ये JCB स्पॉन हो जाएगी। ये सिर्फ स्पॉनिंग नहीं होगी, इसके अंदर तुम बैठकर पुलिस को कंट्रोल भी कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई साहब देखो कितने ज्यादा कंट्रोल से इसकी। यहाँ पर तुम आगे वाला ये जो पता नहीं यार क्या कहते हैं इसको भी आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। पीछे वाला ये जो है जिससे मिट्टी निकालते हैं इसको भी तुम आगे पीछे कर सकते हो। यार ऐसी डिटेल्स ना गेम को बहुत ही रियलिस्टिक बना देती है। चलो फिर अभी मैं तुम्हें ना दूसरी मॉन्स्टर व्हीकल सॉरी जैन व्हीकल्स के चीट कोड्स बताता हूँ। तो अगर तुम 4040 डायल करके कॉल मिलाते हो तो भाई साहब तुम्हारे सामने खतरनाक वाली आर्मी टैंक स्पॉन हो जाती है। अगर तुम 1212 डायल करोगे तो ये ट्रक स्पॉन हो जाएगी। अगर तुम्हें इसका ट्रेलर चाहिए तो 01212 डायल करोगे तो ये ट्रक के साथ एक ट्रेलर भी तुम देख ही सकते हो स्पॉन हो चुका है। गाइस जो लास्ट जैन व्हीकल है वो ये कि अगर तुम 606 डायल करोगे तो ये फायर ट्रक स्पॉन हो जाएगी। लेकिन यार इस गाड़ी से ना तुम कहीं से भी आग को बुझा नहीं सकते क्योंकि इसमें पानी ही नहीं है। बाकी गाइस यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ तुम देख रहे हो उन सभी को तुम ड्राइव कर सकते हो। अभी ना मैं तुम्हें एनिमल्स के चीट कोड्स बताता हूँ। गाइस में फर्स्ट एनिमल है उसको तुम अगर 50 डायल करोगे तो ये वेलोसिराप्टर स्पॉन हो जाएगा। अगर 51 डायल करके कॉल करते हो तो ये टीरेक्स स्पॉन हो जाएगा। अगर ऐसे ही 52 डायल करते हो तो ये स्पाइनोसोरस स्पॉन हो जाएगा। 53 डायल करते हो तो भाई साहब यहाँ पर ये ब्रेकियोसोरस डायनासोर स्पॉन हो जाएगा। लेकिन यार तुम ना इनके ऊपर चढ़ नहीं सकती। अगर तुम्हें इनके ऊपर चढ़ना है तो 5050 डायल करोगे तो ये वेलोसिराप्टर स्पॉन हो जाएगा। इसके ऊपर ना तुम चढ़कर वही अपना जो सिटी है उसका भी शेयर कर सकते हो। किसी के ऊपर अटैक भी कर सकते हो। भाई इसमें सामने वाले के ऊपर अटैक करके देखता हूँ यहाँ पर यार वेट अटैक नहीं हो रहा। चलो क्या कोई नहीं, मैं तुम्हें ना दूसरे एनिमल्स के चीट कोड्स बताता हूँ। अगर तुमने फोन में 200 डायल करना है तो यहाँ पर तुम्हारे सामने हॉर्स स्पॉन हो जाएगा। इस अगर 600 डायल करोगी तो एक डॉग स्पॉन हो जाएगा। इनके भी ऊपर तुम चढ़कर अपनी पूरे सिटी का शेयर भी कर सकती हो। इन हॉर्स को छोड़ो कुत्ते के ऊपर चढ़कर भाई बंदों को भी काट सकती हो। ये यार ये बहुत ही डेंजरस नेक्स्ट लेवल की चीजें गेम वालों ने बनाई है। नाउ गाइस इट्स टाइम टू रिवील फ्लाइंग व्हीकल चीट कोड्स। तो अगर फ्लाइंग व्हीकल समझ जाएंगे तो फोन में जाकर तुम 320 डायल करोगे तो ये जेट पैक स्पॉन हो जाएगा।
GTA 5 मेरी यही जेट पैक की। अगर 330 डायल करोगे तो ये मिनी जेट पैक GTA सैन एंड्रियास वाला स्पॉन हो जाता है। अगर तुम 5555 तीन बार लिख कर कॉल करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे सामने येलो कलर वाला एयरपोर्ट वाला प्लेन स्पॉन हो जाता है। अगर तुम 8000 डायल करके कॉल मिलाते हो तो एक हेलीकॉप्टर स्पॉन हो जाता है। गाइस फिलहाल के लिए अपने गेम में यही 4 फ्लाइंग व्हीकल्स हैं। अमीना मैंने तुम्हें मॉन्स्टर व्हीकल्स के भी चीट कोड्स बता दिए, जायंट व्हीकल्स के भी बता दिए, फ्लाइंग व्हीकल्स के भी चीट कोड्स बता दिए एंड फाइनली एनिमल्स के भी बता दिए। तो अभी मैं तुम्हें गेम के ऑब्जेक्ट्स के चीट कोड्स बताता हूँ। अगर गाइस तुम लोग अपने फोन में 0 डायल करके कॉल करते हो तो ये तुम्हारे सामने बहुत सारे सिलेंडर्स स्पॉन हो जाएंगे। अगर तुम 00 डायल करके कॉल मिलाते हो तो ये छोटे वाला बड़ा वाला ड्रम वाला सिलेंडर स्पॉन हो जाता है। इनको ना तुम ब्लास्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर तुम देखना, मैं इन्हें इसको ब्लास्ट कर दिया है। ये तो कुछ भी नहीं था भाई साहब, इसको देखना यार, ये बहुत ही खतरनाक वाली चीज है। यहाँ पर गाइस देखो ये कैसे घूम रहा है। वेट भाई, इसने तो अपनी फ्रैंकलिन को भी गिरा दिया। इसका ब्लास्ट भी यार बहुत ही खतरनाक वाला है, लेकिन यार हम नहीं देख सके क्योंकि अपना फ्रैंकलिन गिर चुका है। कोई बात नहीं दूसरे, ये जो सिलेंडर है इनको मैं आराम आराम से स्पॉन करके दूर जाकर इनका ब्लास्ट देखता हूँ। यहाँ पर भाई साहब तुम देख ही सकते हो, इनमें यार पता नहीं कौन सा भूत सवार हो चुका है। देखो इससे ही हरकत कर रहे हैं। फाइंस एक दो नहीं, चारों सिलेंडर्स ब्लास्ट भी हो चुके हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम फोन में 2030 डायल करते हो तो यहाँ पर तुम्हारे सामने खतरनाक वाले ज़ॉम्बीज स्पॉन हो जाते हैं भाई साहब। इनको ना तुम मार भी सकते हो और ये तुम्हें भी मार सकते हैं, इनसे बच कर रहना। अगर तुम्हें इनका चीट को डीएक्टिवेट करना है, ज़ॉम्बीज तुम नहीं चाहते गेम में, तो तुमने फिर से 2030 डायल कर लेना है, ये ज़ॉम्बीज वाला चीट कोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से डीएक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन नहीं, मैं फिर से यार यहाँ पर डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर से यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। यार ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही, मैं ऐसा करता हूँ। यहाँ पर देखो कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं, इनसे यार मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगा, तो मैं अपनी गेम को रीस्टार्ट कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने अपनी गेम को रीस्टार्ट कर दी है। अभी मैं तुम्हें गेम के जो और चीट कोड्स हैं वो बताता हूँ भाई साहब। ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल के चीट कोड्स हैं। अगर तुम फोन में 9129 डायल करती हो तो ये तुम्हारी हेल्थ इन्फिनिटी हो जाएगी। मीन्स के तुम्हें कोई भी अगर मारेगा तो तुम्हारी हेल्थ नहीं जाएगी। ऐसे ही अगर तुम फोन में 12345 डायल करती हो तो भाई साहब अपने स्टेट्यू में बहुत ज्यादा NPCs स्पॉन हो जाएंगी। अगर इनको उल्टा करके डायल करोगे मीन्स के 4543 2 1 तो यहाँ पर अपनी गेम में बहुत ज्यादा गाड़ियाँ स्पॉन हो जाएंगी। अगर गाइस तुम फोन में 1112 डायल करती हो तो ये स्लो मोशन अपनी गेम में हो जाएगा। अगर फिर से तुम 1112 डायल करोगी तो स्लो मोशन की लेवल 2 हो जाएगी, मीन्स के और भी अपनी गेम स्लो हो जाएगी। अगर ऐसे ही तीसरी बार अगर तुमने ये चीट को डायल किया तो इसकी तीसरी लेवल लग जाएगी भाई साहब। देखो कितना स्लो मोशन लग चुका है। गाइस अगर चौथी बार इस चीट कोड को लगाओगे तो ये स्लो मोशन वाला चीट कोड डीएक्टिवेट हो जाएगा एंड अपनी गेम नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पर तुम देख ही सकते हो। गाइस अभी जो मैं तुम्हें चीट कोड बताने वाला हूँ ये तुम अपनी गेम में जरूर ट्राई करना एंड आगे में तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ, उसका भी लास्ट में ट्राई करना। फोन में तुम डायल करना 7112, यहाँ पर तुम जैसे कॉल लगाओगे तो ये मून ग्रेविटी का चीट कोड स्पॉन हो जाएगा। इसको गाइस तुम ऐसे टेस्ट करना कि मेरी तरह एक NPC को किल करके देखना। जैसे ये NPC मर जाएगा एंड तुम्हारे पीछे पुलिस के स्टार्स लग जाएंगे तो भाई तुम अभी देखना मैजिक, ये पुलिस वाला देखना पता नहीं कहाँ पर चला जाएगा भाई, उड़ जाएगा, इसकी गाड़ी उड़ जाएगी। वहाँ पर सामने तुम देख ही सकते हो जिसके भी साथ इसकी गाड़ी टकराई तो वो भाई गाड़ी उड़ गई। यहाँ पर ना मैं तुम्हें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। तुमने सिंपली ऐसा करना है कि फोन में गोस्ट राइडर बाइक को स्पॉन कर लेना है। जैसे ही तुम 5555 डायल करके गोस्ट राइडर बाइक को स्पॉन करोगे तो इसमें तुम बैठ जाना एंड मेरी तरफ फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाना। यहाँ पर ना तुम जैसे ही अपनी ये जो गोस्ट राइडर बाइक है इसको फुल स्पीड में भाई साहब भगाओगे तो तुम देखना कि अपनी गाड़ी उड़ना शुरू हो जाएगी भाई। यार यहाँ पर तुम देख ही सकते हो अपनी गाड़ी हवा में उड़ रही है। यार ये चीट कोड तुमको किसी ने भी बताया नहीं होगा, बाकी हो सकता है तुमने किसी मिथ में देखा हो, क्योंकि ये मिथ शायद मैंने भी ट्राई करी थी यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो गाइस बहुत हो गया मजकरी मजाक, अभी मैं तुम्हें नेक्स्ट चीट कोड बताता हूँ। अगर तुम फोन में 7112 डायल करके कॉल मिलाते हो तो ये जो मून ग्रेविटी का चीट कोड है डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर तुमने ना सुपर जंप यानी बड़ा जंप मारना है तो 1215 डायल करना। अभी तुम जैसे ही जंप करोगे तो तुम देखना कि तुम्हारा फ्रैंकलिन कितना बड़ा जंप करता है। यहाँ पर मैं तुम्हें जंप करके दिखाता हूँ भाई साहब, तुम देख ही सकते हो। लेकिन यार यहाँ पर ये गलत चीज ये है कि जैसे जंप करता है ना इसके बाद
वहाँ ऊपर से गिर के नीचे गिरता है। यार ये बहुत ही गलत है। अगर गैस तुम्हें इस चीट कोड को डीएक्टिवेट करना है तो 1216 डायल करना, ये चीट कोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो अभी मैं नॉर्मल जंप कर रहा हूँ। गैस अगर तुम्हें आसमान की सैर करनी है तो सिंपली फोन में 1120 डायल करके कॉल करना एंड तुम आसमान में उड़ते हुए आ जाओगी। भाई यार यहाँ तुम देख ही सकते हो ये स्काईफॉल का चीट कोड है। गाइस इस चीट कोड को डायल करने के बाद तुम्हें ऐसा फील होगा कि जिससे तुमको किसी ने प्लेन से गिरा दिया हो। गाइस यहाँ पर पुलिस वाले भी हैरान हो गए कि आखिर फ्रैंकलिन गया कहाँ। चलो फिर अभी ये जो लास्ट वाला प्रिंट चीट कोड है ना, ये तुम्हें बताता हूँ। तुमने सिंपली फोन में 4x000 डायल करके कॉल करना है एंड तुम्हारे सामने एक ऐसा खतरनाक वाला प्रैंक हो जाएगा कि भाई यार तुम देखकर खुश हो जाओगे। इसे अपनी टेस्ट में गेम में लाजमी टेस्ट करना। तो गाइस अभी ना मैं तुम्हें आरजीए स्टोर के जितने भी चीट कोड्स हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला ही यहाँ पर तुम देख ही रहे हो ये जो मेरा फैन है ये चल रहा है, तो तुम ना फैन ऑफ लिखोगे तो ये बंद हो जाएगा। इसलिए अगर तुम फैन ऑन लिखोगे तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तुमने अगर अपनी फोन का कलर चेंज करना चाहते हो तो तुमने ऐसा करना, फोन में आज ये स्टोर में जाकर फोन कलर और जो भी कलर तुम्हें चाहिए वो लिख लेना। फॉर एग्जांपल मैं येलो लिख लेता हूँ एंड यहाँ पर जैसे मैंने एंटर किया तो मेरी ये फोन का कलर तुम देख सकते हो येलो हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी फोन का कलर ग्रीन होना चाहिए तो सिंपली मैं फोन कलर ग्रीन लिखकर जैसे ही एंटर करूँगा तो ये मेरी फोन का कलर देखना ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर तुम देख ही सकती हो गाइस। ऐसे ही अगर तुम ना अपने घर का कलर चेंज करना चाहते हो तो तुम लिखना हाउस कलर रेड बिलो येलो, जो भी तुम कलर लिखोगे वो हो जाएगा। यहाँ पर मैंने रेड लिखा है तो यहाँ पर तुम देख ही सकते हो मेरे घर का कलर रेड हो चुका है। अगर तुम आरजीएस टूल के अंदर जाकर हेली सिंपली HELI जैसे लिखकर एंटर करोगे तो आसमान में तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आएंगी। यहाँ पर अभी मुझे नहीं नजर आ रही, ये थोड़ी देर में नजर आ जाएंगे। अगर तुम आरजीएस टूल में जेट लिखकर एंटर करोगे तो यहाँ पर आसमान में तुम्हें वो सामने देख ही रहे हो जेट उड़ता हुआ नजर आएगा। एक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जेट्स आएंगी। गाइस अगर तुम्हें अपना गेम के बटन्स एंड फोन को ट्रांसपेरेंट करना है तो तुम सिंपली आरजीए स्टोर में जाकर UI ऑफ लिख लेना, तो यहाँ पर तुम्हारी फोन एंड बटन्स ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। अगर तुम इस चीट को डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो सिंपली UI ऑन लिखना, यहाँ पर तुम्हारी फोन और ये बटन्स फिर से आ जाएंगी। ऐसे ये जो चीट कोड है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तुमने बस ऐसा करना, आरजीए स्टोर में जाकर अटैक लिखकर एंटर करना, इसके बाद तुम कोई भी एनिमल स्पॉन कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर 5-1 से ये T-Rex स्पॉन कर लेता हूँ। अभी तुम देखना कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तुमने ऐसा करना, किसी भी NPC को सिर्फ एक गोली मारनी है, सिर्फ एक गोली। जैसे ही मारोगे तो ये जो तुम्हारा एनिमल है ये उस NPC को खाना स्टार्ट हो जाएगा। भाई साहब यहाँ पर तुमने देखा किस T-Rex ने इस NPC को खा लिया। अगर तुम इस T-Rex को खुद कोई गोली मारोगे तो ये जो एनिमल है ना, जानवर जो तुमने स्पॉन किया है, खुद को ही खा लेगा। यहाँ पर तुम देखना, मैं इसे गोली मारकर तुम्हें खुद को खाते हुए दिखाता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने इसके ऊपर एक गोली चला दी एंड तुम देख ही सकते हो ये अपने आप को खा रहा है एंड बाय फाइनली ये खत्म मर गया। ये चीट कोड यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। अभी मैं तुम्हें और चीट कोड्स बताता हूँ। तुमने सिंपली यार ये स्टोर के अंदर जाकर रोल ऑन लिखकर एंटर कर लेना है। ये चीट कोड तुम्हारा डायल हो चुका है, लेकिन इसको देखने के लिए तुमने सिंपली ऐसा करना, ड्रोन ऑन लिखकर एंटर करना। फिर यहाँ पर तुम ना बिल्कुल भाई फ्री कैमरा में आ जाओगी। जैसे यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं ना 3D वीडियोस, वो भी तुम बना सकते हो। एंड तुमने जो रोल ऑन लिखा था ना उसका चीट कोड, वो जो चीट कोड था वहाँ सामने जो कंटेनर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ना उसका था। रोल ऑफ लिखोगे तो वो कंटेनर घूमना बंद हो जाएगा, बस यही था। अभी मैं तुम्हें आरजीए स्टोर की ये जो मैप अगर तुम बिल्ड करना चाहते हो तो उसके चीट कोड्स बताता हूँ। जैसे अगर तुम्हें अपना मैप बिल्ड करने के लिए फर्नीचर चाहिए तो तुम सिंपली ऐसा करना, F1 डायल करोगे तो तुम्हारे सामने ये बेड स्पॉन हो जाएगा, F2 डायल करोगे तो सोफा स्पॉन हो जाएगा, F3 से ये LED TV स्पॉन हो जाती है, तो सॉरी F11 से, ऐसे F1 से F11 तक ये फर्नीचर स्पॉन होता है। अगर तुम यहाँ पर मैप में M1 लिखोगे तो ये चेक पॉइंट आ जाएगा, M2 डायल करके एंटर करोगे तो ये तुम्हारे सामने ये फिनिश वाला बोर्ड आ जाएगा एंड फाइनली M3 डायल करके कॉल करो एंटर करोगे तो ये स्टार्ट वाला बोर्ड आ जाएगा। ऐसे ही गाइस अगर तुम्हें अपनी गेम में बिल्डिंग्स ऐड करना है तो B1 से लेकर B10 तक जितना भी बिल्डिंग्स चाहो उतने स्पॉन कर सकते हो। यहाँ पर तुम देखना B10 में जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पर एक और बिल्डिंग आ गई। अगर तुम हाउसेस को स्पॉन करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना H1 से लेकर H11 तक
जितने भी घर जाओ उनको तुम स्पॉन इजीली से करवा सकते हो। इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट चीट कोड्स है ना वो कंटेनर्स के हैं, लेकिन वेट यहाँ पर भाई साहब मैं तो फंस चुका हूँ। एंड एक सेकंड, ये लेडी कहाँ से आ गई? ये तो इस बिल्डिंग के अंदर से आई, मैं तो इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। यार ये भी फंस चुकी है, मैं भी फंस चुका हूँ। मैं सोचता था इसको तो मार लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। बेटा यहाँ पर मर जाए, लेकिन ये मरने का नाम ही नहीं रही। शायद भाई साहब इसमें भूत है, मुझे तो ऐसा लगता है, तभी तो ये बिल्डिंग के अंदर से आ गई। इसके ऊपर आरपीजी चला कर देखते हैं। नहीं नहीं, भूत वूत कुछ भी नहीं था, ये मर चुकी है। मैं सोच कहता हूँ यहाँ पर ये दीवार टॉप कर और दूसरे तरफ पुलिस स्टेशन वाली तरफ चला जाता हूँ। एंड वहाँ पर मैं तुम्हें दूसरे चीट कोड्स बताता हूँ। एक सेकंड गाइस, ये हाँ पर यार मुझे कोई मारा है। वेट भाई यार, ये तो पुलिस ऑफिसर से। यार ये तो मैंने गलत ही दीवार टॉप ली। मैं ऐसा करता हूँ जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, वरना ये पुलिस वाले मुझे मार देंगे। शिट शिट शिट, यार इन्होंने मुझे मार दिया। कोई बात नहीं, मैं गेम को रिस्टार्ट करके फिर से मैं तुम्हें दूसरे चीट कोड्स बताता हूँ। ऑल राइट, जैसे मैं अपनी गेम को रिस्टार्ट कर दिया है, अगर तुम आरजीएस टूल के अंदर C1 से लेकर C7 तक डायल करके एंटर करते हो तो तुम्हारे सामने कंटेनर स्पॉन हो जाएंगी। अगर तुम P1 से लेकर P18 तक डायल करके एंटर करोगे तो ये तुम्हारे सामने प्रॉप्स स्पॉन हो जाएंगी। अगर तुम S1 से लेकर S9 तक डायल करते हो तो यहाँ पर तुम्हारे सामने ये जो रोड है ना वो स्पॉन हो जाएंगे। R1 से लेकर R5 तक जैसे तुम डायल करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे सामने रैंप स्पॉन हो जाएगी। अगर तुम T1 से लेकर T7 तक स्पॉन करोगी तो तुम्हारे सामने ये ट्रीज स्पॉन हो जाएंगी। अगर तुम W1 से लेकर W6 तक डायल करके एंटर करोगे तो ये जो दीवार है ना वॉल, ये स्पॉन हो जाएगी। गाइस अगर तुम इनकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो सिंपली MD ऑन लिखकर एंटर करना, तुम्हारे सामने ये ऊपर में एक मेन्यू आ जाएगा। इसकी मदद से तुम रैंप को या जो भी जितने भी प्रॉप्स या कुछ भी तुमने स्पॉन किया है उनको यहाँ पर तुम आसानी से एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर तुम देख सकते हो मैं कैसे इसे टर्न कर रहा हूँ। यहाँ पर तो भाई साहब ये रोड ही टर्न होता जा रहा है। चलो खैर कोई नहीं, यहाँ पर मैंने यार ये भी तुम्हें दिखा दी। अगर तुम MD ऑफ लिखोगे तो ये मेन्यू तुम्हारा चला जाएगा। अगर गाइस तुमने फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग या कोई घर वर बनाया है एंड तुम इसको सेव करना चाहते हो तो सिंपली तुम ऐसा करना, आरजीएस टूल के अंदर जाकर SD लिखकर सिंपली एंटर करना, जितना भी तुम्हारा बना हुआ मॉडल है वो यहाँ पर लोड और सॉरी सेव हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम गेम को रिस्टार्ट करने के बाद भी यहाँ पर आ जाओ तो तुम ऐसा करना, फोन में आरजीएस टूल के अंदर चले जाना, इसके बाद लोड लिखकर एंटर करना। तो तुम यहाँ पर ना जैसे गेम को रिस्टार्ट करोगे तो जहाँ पर तुमने लोड लिखा है वहाँ पर तुम्हारी पोजीशन आ जाएगी।